मार्केट सेट में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। इस समय 17 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। आज ओपनिंग के सेशन में ही मैं 5900 मिल गया था, उसके नीचे चले गए थे, लेकिन अब किसी तरह से मार्केट फिर से पुल बैक मोड में आते हुए अभी सिर्फ 16 अंकों का नुकसान है। देखना होगा आज का लेटर हाफ सेशन कैसे दिखता है, क्योंकि मार्केट के अंदर पहले जहाँ पे ओवर बाय समझा जा रहा था बाजार, इसलिए वहाँ से टूटा। अब कम से कम जितना टूटा है, एक थ्योरी फिर से काम कर सकते हो, ओवरसोल्ड मार्केट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा ओवरसोल्ड लगता है, इसलिए वेरी इमीडिएट एक पुल बैक आने की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इस बीच जस्ट ट्रायल का आज IPO लिस्ट हुआ है, कि एक प्रोसेस है, आप बिडिंग करते हैं और उसके बाद एक लिस्टिंग प्राइस करीब 10 बजे मिलता है। 590 पे लिस्ट हुआ, ऑलरेडी 11% का इसमें प्रीमियम देखने को मिला है, तो 60 रुपये ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई है। तो एक बेहतर चीज़ यह है कि 10% का डिस्काउंट था जो दिया गया था रिटेल निवेशकों को, आप 11% ऊपर लिस्टिंग हुई है, तो कुल मिला के इस IPO से अगर कोई आज ही निकलना चाहता है तो उसको 20% का रिटर्न ऑलरेडी उसकी जेब में आ गया, क्योंकि 10% का डिस्काउंट पहले ही था और 10% का प्रीमियम अब मिल गया लिस्टिंग के ऊपर। तो 530 का इसका इश्यू प्राइस रखा गया था, फिक्स किया था, हालांकि बुक बिल्डिंग प्रोसेस थी, 530 इसका फिक्स किया प्राइस था, 590 पे लिस्ट हुआ है और 10% का इजाफा आज ही आज मिला है। तो इसलिए ये इस फायदा सीधा सीधा रिटेलर की जेब में आता हुआ 20% का। जस्ट डायल के बारे में बता दें, एक ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं, एक तरह की ये एक सर्च इंजन है जो कि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन देती है अगर आप इनके नंबर पर डायल करते हैं तो। और कंपनी और भी एक्सपेंड करना चाहती है, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ उभरना चाहती है, कई नए सेगमेंट में नई थ्योरीज को भी जोड़ना चाहती है। और थोड़े दिन पहले जब मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब तक की जो परफॉर्मेंस है और शेयरधारकों का जो रिस्पांस उनको मिला है वो काफ़ी बेहतर है, और अब इसमें एक्चुअल ट्रेड होना भी शुरू हो गया और इसमें 13.5% का इजाफा अब हो चुका है। थोड़ी देर पहले करीब 10% पे 11% पे फिक्स होके इसमें कामकाज होना शुरू हो गया है, अब ये 13.5% ऊपर आ चुका है। 600 रुपये के प्राइस मिले हैं, 530 का इशू प्राइस था, 600 रुपये के ऊपर आ चुका है, तो अच्छा प्रीमियम मिला है जिन्होंने हाल फिलहाल में बाय किया है इसको, सिर्फ IPO के हिसाब से कि हाँ जैसे हम लिस्टिंग होगा तो लिस्टिंग गेन इससे लेके आ जाएंगे, तो कम से कम अच्छा रिटर्न उनको यहाँ पे ज़रूर मिलता हुआ जस्ट ऑयल के काउंटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट किस बीच ओपनिंग हो चुकी